हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गाइस, आज का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक फेशियल का रिव्यू और डेमो। सो गाइस, ये वाला जो फेशियल है वो है VLCC का स्कीम ग्लो फेशियल किट। इसमें 5 स्टेप आपको मिलता है, जिसके फेशियल में 5 स्टेप्स होते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 5 स्टेप्स हैं इसमें। और गाइज, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। ये VLCC का मिनी फेशियल किट है और आप इसे 1 टाइम यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल पड़ता है, क्योंकि 1 टाइम आप यूज करते हैं और आप कुछ जैसे कि ज्यादा फेशियल आप नहीं करते हैं, तो ये वाला फेशियल किट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जैसे कि अभी दिवाली आने वाला है, तो दिवाली पे हमारी जो स्किन है वो भी ग्लो करनी चाहिए, तो इसके लिए ये वाला मिनी फेशियल किट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, हर कोई इसे परचेज कर सकता है और यूज भी कर सकता है। आप इसे घर पे भी यूज कर सकते हैं। घर पे आप कैसे फेशियल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, इसमें 5 स्टेप्स हैं। इसकी प्राइस है 99 रुपीज, जो कि और भी ज्यादा आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और मैंने इसे लोकल स्टोर से ही परचेज किया, तो आप भी लोकल स्टोर से इसे परचेज कर सकते हैं। कोई भी शॉप से, लोकल शॉप से आप इसे इजिली परचेज कर पाएंगे। वाला जो फेशियल किट था 4 मिनट ग्लो का, तो वो बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था शॉप में, जनरल शॉप में हम बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैं आज आप लोग के साथ VLCC का फेशियल किट का रिव्यू और डेमो शेयर कर रही हूँ। ये वाला जो फेशियल किट है वो इजिली आपको किसी भी शॉप में मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो आप इसे इजिली परचेज भी कर पाएंगे। और गाइस, इसमें 5 स्टेप है पीछे इसमें लिखा हुआ है, जिसमें इसमें VLCC का क्लींजर कम टोनर है, ग्लो फेस स्क्रब है, और इसमें फेशियल मसाज जेल है, फेशियल क्रीम है, फेस पैक है। तो इसमें 5 स्टेप हैं जो कि फेशियल में होते ही हैं। सो गाइस, इसकी जो आउटर पैकेजिंग है वो कुछ इसी तरीके से है, और इसे मैं ओपन करके भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर पाउच वाला है। ऐसे आपको पाउच वाले पैकेट मिल जाते हैं। तो ये 1st स्टेप है, ये जो है कि वो क्लींजर है, और 2nd है ये, और ये 3rd है। और इसको कैसे आपको यूज करना है वो भी यहाँ पे ऐसे नीचे लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आपको कैसे यूज करना है इसे, कैसे आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, तो वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो ये 2nd और 3rd स्टेप है, और ये वाला जो है ये 4th और 5th स्टेप है। इसके भी नीचे में इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो आप उसको डायरेक्शन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फेशियल करना स्टार्ट करते हैं। और फेशियल करने के लिए हम अपने बाल को सिक्योर कर लेते हैं और अपने फेस को भी क्लीन कर लेते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फेशियल स्टार्ट करने से पहले हमको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वाइप के हेल्प से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी, देन उसके बाद हम अपना फेशियल का स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1st स्टेप क्लींजिंग का, ये क्लींजिंग कम टोनर है, इसमें अपने पाम में लेके अपने फेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। और गाइस, इसको आपको 60 सेकंड के लिए अपने फेस पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए अपने स्किन को क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। यहाँ पे हमारा क्लींजिंग खत्म होता है। 2nd स्टेप है हमारा स्क्रब का। स्क्रब करने से हमारी स्किन डीप क्लीन होती है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स रिमूव होते हैं, डेड स्किन सेल की लेयर रिमूव होती है, और हमारे पोर भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सो गाइस, स्क्रब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जिसकी फेशियल में स्क्रब का स्टेप होता है तो वो बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन को डीप क्लीन कर देता है। तो आपको जेंटली तरीके से स्क्रब करना है, बिल्कुल भी आपको प्रेशर लगा के स्क्रब नहीं करना है। टी जोन पे आप थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। स्क्रबिंग करते टाइम आप अपने टी जोन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। और गाइस, स्क्रब करने से हमारे पोर भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अपने फेस पे स्क्रब करना है, बिल्कुल भी आप प्रेशर मत डालें। एंड देन उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से फेस को वॉश कर लेना है। 3rd स्टेप है हमारा फेशियल मसाजिंग जेल का, और इस मसाजिंग जेल को आप अपने फेस पे तब तक मसाज करेंगे जब तक ये अच्छे से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब ना हो जाए। और ये वाला जो मसाजिंग जेल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइज। इसे आप फेस पे अप्लाई करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में इसे आप मसाज करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करने से आपकी स्किन अपलिफ्ट होती है, और जब भी फेशियल करते हैं तो आप मसाजिंग का जो स्टेप होता है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही करें। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपकी स्किन ग्लो करती है, बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। सो गाइज, आप जब भी फेशियल मसाज करते हो तो आप अपर डायरेक्शन में ही करें, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैंड से मसाज करना है आपको, बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं देना है। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा टाइटन अप भी होती है।
सो गाइज, जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है फेशियल क्रीम का, और आपको फेशियल क्रीम को भी मसाजिंग क्रीम जैसे ही अप्लाई करना है। इसको अपनी स्किन पे आपको 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाज करना है, जब तक कि आपकी स्किन पे अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए। फेस क्रीम होता है वो आपकी स्किन पे डीप जाके आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। और गाइज, ये वाला जो फेशियल किट है वो ग्लोइंग स्किन के लिए है, और गाइज इससे आपकी स्किन पे ग्लो नजर आता है। आप 24 आवर्स के लिए वेट करें जब भी आप फेशियल करते हैं तो। और ये वाला जो फेशियल किट है उसको आप घर पे यूज कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इसमें डायरेक्शन कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, ये वाला जो फेशियल किट है बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, आप भी इसे घर पे यूज कर सकते हैं और आप इंस्टेंट रिजल्ट इसका पा सकते हैं। दिवाली में आपकी भी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लगेगी। तो इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आपको नॉर्मल किसी भी कॉटन कपड़े से या फिर स्पॉन्ज के हेल्प से अच्छे से इस क्रीम को क्लीन कर लेना है। सो गाइज, इस फेशियल किट का फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है फेस पैक का, और फेस पैक भी अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन को क्लियर करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका टेक्सचर। इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा कूल कूल फील करती है। और गाइज, इसे अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है एटलीस्ट 20 मिनट के लिए। 20 मिनट्स में ये अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन पे करेगा। तो अब हम मिलते हैं 20 मिनट्स बाद। सो गाइज, 20 मिनट्स हो गए हैं इसे अप्लाई किए हुए और ये अच्छे से ड्राई भी हो गया है। तो उसके बाद इसे मैं रिमूव करूंगी, और ये ड्राई होने के बाद थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आ जाता है, तो जब आप इसे रिमूव करेंगे तो आपके ड्रेस पे भी गिर सकता है। सो गाइज, आप इस चीज़ का ध्यान दें। और गाइज, जो हमारा फेशियल का स्टेप है वो यहाँ पे कम्प्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट की तरफ। सो गाइज, मैंने फेशियल कर लिया है और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। मेरी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्लीन लग रही है। जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हैं वो बहुत हद तक रिमूव हो गए हैं, और जो मेरी डल स्किन हो गई थी वो थोड़ी सी इवन आउट भी हुई है, और थोड़ी सा यहाँ पे ग्लो आपको नजर आ रहा हो। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फेशियल किट के बारे में, और आप लोग पूछेंगे कि मुझे ये फेशियल किट कैसा लगा। सो गाइज, ये फेशियल किट बहुत ही ज्यादा सही है। अगर आप टीनेजर हैं या फिर आपको एक्सपेंसिव फेशियल किट अगर परचेस आप नहीं कर सकते तो आप ये वाला फेशियल किट परचेस कर सकते हैं। सो गाइज, VLCC का फेशियल किट तो आप सब जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। और ये वाला जो फेशियल किट है ये मिनी फेशियल किट है, तो आप 1 से 2 बार कर सकते हैं, 1 से 2 लोग कर सकते हैं आप एक ही टाइम पे। सो गाइज, आपकी स्किन में एकदम बहुत ही ज्यादा डिफरेंस भी नजर नहीं आएगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं है। आपकी स्किन को ये क्लियर कर देगा, जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं उसे रिमूव कर देगा, और आपकी डल स्किन है वो थोड़ी सी ग्लोइंग हो जाएगी और इवन लगने लगेगी। अगर गाइज, ये वाला जो फेशियल किट आप यूज करते हैं तो आप एक दिन पहले कर सकते हैं, दिवाली हो या फिर कुछ भी फंक्शन हो तो उसके एक दिन पहले करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लगेगी और बहुत ही ज्यादा क्लियर भी लगेगी। इसके बाद जब अपनी स्किन पे आप मेकअप करेंगे या फिर कुछ भी अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपकी स्किन। फेशियल किट के 5 स्टेप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे मुझे। इसका जो स्क्रब है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, बट ओवरऑल सारे ही स्टेप्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही ज्यादा माइल्ड है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसका जो फेस पैक है उसको आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फेस पे बहुत ही ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आता है, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फेशियल किट है इस प्राइस रेंज में। और गाइज, अगर आप भी ये वाला फेशियल किट ट्राई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसे ट्राई कीजिएगा। और गाइज, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। और भी मैं बहुत सारे फेशियल किट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में हो, आप इसे परचेज कर पाएं और आप घर पे यूज कर पाएं। तो इस फेशियल में मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को फेशियल करना बताया है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, मिलते हैं हमारे आने वाली वीडियोज में। टेक केयर, बाय बाय।